नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नेगी परिवार की तरफ से हैप्पी मदर्स डे और आप लोगों का स्वागत है हमारे नेगी परिवार में। मैं सरिता आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा होम टूर का एक छोटा सा पार्ट, लिविंग रूम पार्ट। तो ये मैंने अपने व्यूअर्स से जो है मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लिविंग रूम टूर करवाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपको मैं एक एक करके मैंने अपने हाथों से जो जो चीज़ें आपने हाथों से डेकोर की हैं मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी कहीं भी आपको लगे कि मेरी वीडियो में कुछ भी मिस्टेक या गलती है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको और से अच्छे से उसको डेवलप कर सकूँ, तो अच्छे से बना सकूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं लिविंग रूम टूर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ से हम लिविंग रूम की तरफ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ से हम लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ अब दिखाना शुरू करती हूँ कि मैंने क्या क्या डेकोर किया है, प्लीज़ आप देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम एंट्रेंस में आते हैं तो मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने ये बिग वॉल लगाई है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई थी। एक्चुअली मैंने ये हाफ इसलिए लगाई है क्योंकि थोड़ा सा ना दीवार यहाँ ख़राब हो गई थी, थोड़ा पेंट उखड़ गया था, तो दैट्स वाई मैंने ये जो है ब्रिक वाली वॉल मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये आधा हाफ में इतना पोर्शन अभी मैंने और भी लगाया, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने लगाया और ये है मेरा की होल्डर। वैसे तो की होल्डर है लेकिन इसमें की भी टांगी रहती है, लेकिन हम लोग यहाँ मास्क भी टांग देते हैं। जैसे ही हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना होता है तो हम लोग मास्क लेके निकल जाते हैं। जस्ट इसके ऊपर ये MCB का है पीछे इसके, लेकिन मैंने यहाँ इसको कवर कर दिया है, इसमें सीनरी लगा दी है। ये मेरी बहुत पुरानी सीनरी थी तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। ये हमारा इंटरकॉम है जो कि नीचे से जो भी हमारे यहाँ आता है वो बैल बजाता है, हम डायरेक्टली यहाँ से उसको खोल देते हैं। और उसके जस्ट आगे जाते ही मैंने ये एक छोटा सा पाम ट्री लगाया है जिसको अभी हाल में ही 1 साल हो गए हैं। और जस्ट इसके नीचे ये झरना लगाया हुआ है मैंने, ये देखिए लगाया हुआ है। और अगर आप उसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो मैं ये मार्केट से, ये SN मार्केट से लेके आई थी। ये दो कहते हैं ये लकी होता है तो इसलिए मैं इसे लेके आई थी मार्केट से। जस्ट इसके ऊपर ये जो मेरी पेंटिंग है ये मैं जहाँ पुराने घर में रहती थी तो वहाँ है, वहाँ से मैं लेके आई थी। मुझे इतना याद नहीं है कि मैं कहाँ से लेके आई थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ब्रिक वॉल, ये एक्चुअल में कोई वॉलपेपर नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से खुद ब्लॉक पेंटिंग की है इसमें। ये एक्चुअल में इसका जो कलर था, ये आपको अगर दिख रहा हो बेस कलर, इसका ये कलर था पूरी वॉल पे। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 200 या 300 में आप मान के चलो, मैंने ये दीवार पूरी अपने हाथों से ब्लॉक पेंटिंग की है। इसमें स्पॉन्ज की सहायता से पेंट लाई और फिर मैंने अपने आप से इसको स्पॉन्ज किया, अपने आप से इसको DIY किया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक लग रही हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से खुद किया है तो आपको ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी तो नज़र आएगी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए माफ़ी चाहती। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लॉक पेंटिंग की है, ये ब्लॉक पेंटिंग सिर्फ मैंने ही नहीं की, इसमें मेरी भांजी का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसने मेरे साथ काफ़ी मदद की है ये सब सामान लाने में। ब्लॉक पेंटिंग एक्चुअली में उसकी हाइट लंबी थी तो ये जो उसने ऊपर ऊपर किया है वो उसी ने किया है और मैं उसे क्रेडिट देना जरूर चाहूँगी क्योंकि उसकी भी इसमें मेहनत लगी है और एक जने की बस की बात थी भी नहीं, तो इसीलिए मैं उसको बोलूँगी, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि उसने मेरे साथ ये सब करने के लिए मेरे मदद की हूँ। और जस्ट उसके ऊपर आप मैंने एक बुद्धा की यहाँ पर ये छोटी सी सीनरी देख रहे हैं, ये भी मैं SN से लेके आई थी। और जस्ट इसके ऊपर तो ये लैम्प है, ये लाइट है और ये सोफ़ा है जो कि बहुत पुराना था, इसको हमने रिनोवेट करवाया, हमने सोफ़े वाले को, इसमें गद्दी जो थी इसकी ख़राब हो गई थी तो इस गद्दी को हमने सही से करवा के फिर उसके बाद में मैंने ये कवर भी लेके आई थी। और ये सब दोस्तों ये मैं एक कॉर्नर वाला स्टैंड लेके आई थी, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 शेल्फ है इसके अंदर। सबसे नीचे मैंने एक्चुअली में कुछ रखा नहीं है,
तो ये मैं लेके आई थी, मे बी ये 1000 सबसे ऊपर शेल्फ में मैंने एक ये पौधा लगाया है, आप देख सकते हैं छोटा सा है तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी होता है घर में, तो उसको मैंने यहाँ लगा दिया है फर्स्ट वाले कॉलम। यही सेकंड शेल्फ पे आप 4 बुधास देख रहे हैं, ये होते हैं साइन होते हैं, लकी चार्म होते हैं, इनको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए कहते हैं। और इसके जस्ट पीछे मैंने छोटे से गणेशा जी हैं, ये गिफ्ट थे किसी ने दिए थे तो उनको मैंने यहाँ लगा दिया है। जस्ट उसके नीचे मेरे एक बहुत ही पुराने लड्डू गोपाल हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर लगाया है, उसके साथ मैंने एक छोटी सी गाय लगा दी है जो मेरी बहुत पुरानी थी, मैं ऐसे ही परचेज करके लेके आ गई थी, मुझे अच्छी लग रही थी तो इनके साथ में इनकी मैचिंग बहुत ही अच्छी लगती है गाय माता की, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं हमारी शादी की फर्स्ट टाइम जब धारी देवी जाते हैं ना वहाँ की ये फ़ोटो है, तो मैंने ये लगा दिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैं फ्रेम लेके आई, वैसे ये फ़ोटो थी सिर्फ सिंगल, तो मैंने इसको फ्रेम पे लगा के यहाँ पर इसको रख दिया है। और आप ये जो दोनों तरफ देख रहे हैं ना कॉर्नर के छोटे से लटकने वाले हैंगिंग वाले गणेशा जी, ये मैं दिवाली में जब होती है ना शॉपिंग होती है उस टाइम मैं इनको परचेज़ करके लेके आई थी, बहुत ही सुंदर लगते हैं तो इनको ना मैंने यहाँ टांग दिया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको यहाँ पर टांग दूँ, तो देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो पेंटिंग जो मुझे गिफ्टेड मिली है, गिफ्ट है मेरे को, गिफ्ट दी है किसी मेरे बगल वाले अंकल ने, मतलब बहुत ही प्यारी है वो, उन्होंने खुद ही हैंग की थी यहाँ पर, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है, ये पेंट भी उन्होंने अपने हाथों से किया है। तो चलिए हम अपने चलते हैं उन गणेशा जी की फ़ोटो की तरफ, तो देख सकते हैं ये गणेशा जी हैं वो जो अंकल ने एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है, आप देख सकते हैं पूरी वॉल अगर देखें, पूरी वॉल में अगर गणेशा जी को देखें तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, ये मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा अंकल जी का, और मैं अंकल को इसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगी, तो मैनी थैंक्स टू अंकल कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। गणेशा जी तो वैसे भी हमारे घर में होने ही चाहिए, और एंट्रेंस में आते ही आपको गणेशा जी देखे तो वो बहुत ही सुंदर दिखते। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी ये मेरे जो प्लेट्स हैं, एक्चुअल में ये प्लेट्स हैं कंजक में मेरी बच गई थी, मैंने कंजक में लोगों को जैसे कन्याओं को खिलाते हैं ना प्लेट्स में, तो वो बच गई थी, तो मैंने उनको क्या किया कि ये मैंने गोल्डन स्प्रे किया और इसमें डबल टेप के थ्रू इसको मैंने दीवार पे चिपका दिया है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताना मुझे कि कैसी लग रही। तो जस्ट उनके ऊपर एक और गणेशा जी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, और आप जैसे देख सकते हैं मेरे बैग में ये जो कर्टन्स लगे हैं ये भी मैं खरीद के, मैं तो नहीं, मैं दीदी के साथ गई थी, मेरी दीदी ने मुझे खरीद के दिए थे ये क्लोथ मार्केट से, क्लोथ मार्केट के बारे में आप जानते ही होंगे, तो ये कर्टन्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही फेवरेट कर्टन्स हैं मेरे, ये मैं कभी नए लाए नहीं आज तक, मैं लाई हूँ लेकिन अपने रूम के लिए लेके आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के लिए ये कर्टन्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, इससे लुक एक लिविंग रूम की बहुत ही सुंदर आती है। तो अब हम धीरे से अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये आप फ्रिज देख सकते हैं हमारा, एक्चुअल में यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल नहीं है लेकिन फ्रिज का स्पेस किचन में नहीं था तो इसलिए हमने इस फ्रिज को यहाँ रख दिया है, ये भी हम लोग परचेज करके अभी रिसेंटली। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताया था कि मैं एक नया फ्रिज ये लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं इसमें मिरर रिफ्लेक्शन है, इसको आप एज अ ड्रेसिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं, ये एकदम टफ एंड क्लास का वो है, इसमें टूटेगा नहीं, स्क्रैच भी इसमें नहीं पड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी इसमें शक्ल नजर आ रही होगी आप देख सकते हैं, तो आपको अगर दूसरा मिरर की जरूरत ही ना पड़े आप इसमें अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस पूरा देख सकते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा तो इसीलिए इसको मैंने चूज करके इसको मैं लेके आई लाए हैं। और जस्ट फ्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं मेरे छोटे से सोलर वाले गणेश जी हैं जो कि ऐसे हाथ हिला रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये मुझे गिफ्ट किया है मेरी फ्रेंड ने जहाँ पे काम करती हूँ उन्होंने कि आप अपने अगर नए घर में जाते हो तो आप इसे लेके जरूर जाइएगा, तो मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं छोटे से, मतलब जब लाइट जलती है तो वो बड़े ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत खूबसूरत से लगते हैं। फिर ये साईं बाबा जी हैं और ये बुद्धा जी है, आप देख सकते हैं, जस्ट इस कॉर्नर पे अगर आप जाते हैं तो इस कॉर्नर पे आप मेरा वॉश बेसिन का एक स्पेस बना रखा था, ये बिल्डर ने ही अपने आप बना के दिया है, ये एक यूटिलिटी कैबिन है,
और यहाँ एक नीचे भी एक यूटिलिटी कैबिन है, और ये वॉश बेसिन के किनारे पे मैंने फ्रेगनेंस, ये एक फ्रेगनेंस का है जो कि मैंने जला के रखा है थोड़ा सा फ्रेगनेंस के लिए, अच्छा लगता है। तो ये मेरा है वॉश बेसिन, जैसे कभी कोई आता है, गेस्ट आता है तो हाथ वाथ धोने के लिए या कुछ भी करने के लिए यहाँ पर एक अलग से कॉर्नर बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। जस्ट इसके पीछे ये मैंने हैंग किया हुआ है टॉवल, है हैंड क्लीन करने के लिए मैंने एक ये टॉवल यहाँ पर हैंग किया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो जस्ट इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम जिसे कहते हैं। तो ये कॉमन वॉशरूम है हमारा, जैसे गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर हम, कॉमन वॉशरूम है, इस पर मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा लुक वाइज बहुत ही प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने ये कर्टन्स लगा दिए थे। तो अगर आपको इसमें भी अगर कुछ कमी या कुछ भी नज़र आ रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। उसके जस्ट बगल में अगर आप चलेंगे तो ये मेरा शू रैक है, एक्चुअली ये शू रैक है पूरा, ये हमने बनवाया था क्योंकि गेस्ट आते हैं और सारे चप्पल जूते यहीं पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर हम अपना शू रैक रख दें। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक ये बिछा रखा है यहाँ पर, ये लैम्प है, ये छोटे से बुद्धा है, इनके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, देखिए ये छोटे से बुद्धा है जो मैं खरीद के लेके आई थी, और ये छोटे से खरगोश है, इनके ऊपर जो पौधा था वो सूख चुका है, अभी मैं इसको दोबारा लगाने वाली हूँ। तो और इसके जस्ट बगल में मैंने सैनिटाइज़र रखा है, जैसे ही लोग आते हैं तो हम लोग इसको सैनिटाइज़ करते हैं। और इसके जस्ट ऊपर ही अगर आप देख सकते हैं तो ये जो है ये वॉलपेपर है, ये बेल वाला वॉलपेपर है, जो मैंने सोचा कि खाली दीवार से अच्छा है कि इसमें कुछ डेकोर हो जाए तो अच्छा लगेगा, तो मैंने ये मंगाया अमेज़ॉन से और मैंने यहाँ इसको स्टिक कर दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके जस्ट ऊपर मैंने ये वॉच लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, ये भी मैं ख़रीद के लेके आई थी एज़ पर थीम, मुझे अच्छी लगी ये वॉच, तो आपको कैसे लगी मुझे भी ज़रूर बताना। और अगर मैंने आपको अपनी सेंटर टेबल नहीं दिखाया है, आपको मैं अपना सेंटर टेबल भी दिखाती हूँ। तो हमारे जो सोफ़े का सेंटर टेबल था वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा सेंटर टेबल है, ये मेरी छोटी सी मिनी सी कुर्सी है जिसमें कभी कभी बैठ के हम लोग चाय इंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने कारपेट रग बिछा रखा है, आप देख सकते हैं छोटा सा, ये देखिए। बस यहाँ तक था मेरा छोटा सा लिविंग रूम टूर, जिसे मैंने अपने हाथों से एक एक करके संजोया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी कमी नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में, और फिर से चलिए देखते हैं एक बार और राउंड मारते हैं इस वीडियो की तरफ, इस लिविंग रूम की तरफ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा लिविंग रूम टूर? अगर आपको मेरी वीडियो, लिविंग रूम टूर की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो धन्यवाद।